प्रॉब्लम किससे ज्यादा होती है? अपने लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ बाहर के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो प्रवृत्ति अच्छी लगती है, जो काम अच्छा लगता है, वो काम आपको करना ही करना है, जिसे मिलकर आपको खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, जुड़ना चाहिए। मानसिक समस्याओं से ठीक होने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो प्रवृत्ति अच्छी लगती है, जो काम अच्छा लगता है, वो काम आपको करना ही करना है, ज्यादा करना है। वो प्रवृत्ति आपको ज्यादा करनी है जिसमें आप खुश होते हैं, जिसमें आप प्रसन्न रहते हैं। उन लोगों के साथ रहना है जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, जिसे मिलकर आपको खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, जुड़ना चाहिए। एक्चुअली हमारी लाइफ में होता क्या है, जो भी कुछ अच्छा लगता है वो प्रवृत्ति होती नहीं है, जो चीज़ें जो काम अच्छा लगता है वो हम करते नहीं हैं, जो लोग अच्छे लगते हैं शायद कोई अच्छा लगता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा लगता है तो इसके साथ हम रहते नहीं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिससे बहुत प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम किससे ज़्यादा होती है? अपने लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ बाहर के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर कोई आसपास की सोसाइटी में कोई रहता है, मार्केट में जो लोग हैं, जितने भी लोग दुनिया के और लोग हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसके साथ है? अपने लोगों के साथ, जो भी करीबी लोग हैं, पापा है, मम्मी है, ब्रदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, इससे ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो व्यक्ति को मानसिक समस्या है उसको कोई अच्छा नहीं लगता, फैमिली के मेंबर भी अच्छे नहीं लगते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फैमिली मेंबर का एक ऐसा व्यवहार हो, ऐसा वर्तन हो, ऐसा सपोर्ट हो कि जो व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रस्त है उसको थोड़ा अपने लोगों से सपोर्ट महसूस हो। तो ये जो समस्या आ रही है, क्यों आ रही है? जिसको भी मानसिक समस्या लगी है, मानसिक बीमारियां लगी है, उसको और लोग अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि और लोगों का व्यवहार उसके प्रति नेगेटिव होता है। थोड़ी बहुत मानसिक बीमारी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको कोई ज़्यादा ऐसा फोबिया लग गया या ओसीडी लग गया तो उसको फैमिली मेम्बर एक अलग नज़रिए से देखते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा भी बोलते हैं, क्या ये पागलपन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, क्या ऐसा घटिया हरकत है, क्या ऐसी बेहूदी चीज़ें कर रहे हो। तो इसे बार बार कहने से क्या होता है कि व्यक्ति इससे नेगेटिव हो जाता है, इससे मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, इससे मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, ये मुझे सब पागल ठहराते हैं, अलग अलग तरह की सोच बन जाती है, अब इसको कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रूरी क्या है कि जो फैमिली मेम्बर है उसको तो समझना पड़ेगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसको सहयोग की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको प्यार की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर फैमिली मेम्बर, मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसको नेगेटिव बोलेंगे, उसको बार बार टॉर्चर करते हैं, इसलिए मानसिक बीमारी से व्यक्ति जल्दी से ठीक नहीं होगा। अब उसको कौन समझाएगा कि भी व्यवहार आपका भी बदलना चाहिए? लेकिन फैमिली मेम्बर क्या सोचते हैं कि वो तो ठीक होना चाहिए ना, वो थोड़ा सही करेंगे तो हम सही करेंगे। अरे आप तो सही हो ना, फैमिली मेम्बर का तो हाल सही है, वो तो बीमार नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है उसका तो व्यवहार गलत होने ही वाला है, वो तो गलत ही करेगा, लेकिन जो लोग ठीक है वो क्यों नहीं समझते कि उसका हालत तो अभी सही नहीं है, वो नाजुक है। हम तो समझदार है ना, हम इसके साथ ऐसा क्यों बार बार ऐसा करेंगे, बार बार ऐसा क्यों बोलेंगे? लेकिन आज तक किसी ने इस तरह से नहीं सोचा कि हम थोड़ा बदल कर देखते हैं, हम थोड़ा सपोर्ट करके देखते हैं, हम थोड़ा सा प्यार देकर कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जिसको प्रॉब्लम है उसको तो ठीक करना ही करना है, उसको थेरेपी देना है, उसको काउंसलिंग देना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है, वो तो करना ही करना है। लेकिन इसके साथ में जो लोग हैं, इसके फैमिली मेम्बर है, उसको भी थोड़ा काउंसलिंग देना जरूरी है, उसको भी समझाना है कि ये मामला जो है ना वो इतना आसान नहीं है, इसके लिए समझदारी के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए। गलती से भी एक लाइन अगर बोलते हैं, ये क्या पागलपन जैसा करके रखा है, इससे एक लाइन से व्यक्ति की पूरी सोच बदल जाती है। तो आज के सेशन में मुझे ये बताना है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि इसमें सिर्फ व्यक्ति जिसको बीमारी लगी उसका अकेले का कोई रोल नहीं होगा। हाँ, उसको तो प्रैक्टिस करना ही करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसकी फैमिली मेंबर का भी होता है। और हम आज तक क्या सोचते आए हैं, इलाज इसका ही होगा जिसको बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मानसिक बीमारियों में इलाज तो जिसका हो रहा है इसका होना ही होना है,
लेकिन साथ वाले को भी कुछ काउंसलिंग लेना जरूरी है। इसके साथ क्या बिहेवियर करना चाहिए, घर में किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, ओसीडी है, तो इसके साथ का व्यवहार क्या होना चाहिए ये पता ही नहीं है किसी को, कुछ भी व्यवहार करते हैं, कुछ भी बोलते देते हैं, और इससे व्यक्ति ठीक होने के बजाय और समस्या में चला जाएगा, उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, और फैमिली मेंबर शिकायत करेंगे हमारे साथ सेंटर पर, अरे क्या करें, हम तो कितना समझा रहे हैं उसको, ये बंद करो या ये खत्म करो, कोई मामला नहीं, इससे क्या डरना, ये आपके लिए है कि इसमें कोई मामला नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको तो सब कुछ ठीक लग रहा है, उसके लिए तो सब ये बीमारी का नाटक ही होता है कि ड्रामा करता है। बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें ये बात किया कि सर उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सब ड्रामा है, नाटक है, काम चोरी है, हरामखोरी है। हम बोले कि आपको ऐसा लग रहा है कि हरामखोरी है, नाटक है, ऐसा नहीं है, उसको ऐसा कोई नाटक करने का शौक नहीं होता, उसको घर में बैठकर कमरे में बंद हो जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम है, वो चाहता नहीं है कि वो इस हाल में रहे, लेकिन जो समस्या जिसको होती है ना उसको ही पता चलता है कि इसमें होता क्या है। किसी को जब एगोराफोबिया लग गया, बाहर जाने का, सोशल होने का फोबिया लग गया, तो उसको तो 5-10 लोगों का क्राउड भी बहुत मुश्किल देता है, 5-10 लोगों के क्राउड में भी उसको बहुत तकलीफ होने लगती है। बाहर जाने का जिसको डर बैठ गया, वो बाहर गली के बाहर ही नहीं जा सकता। अब हमारे लिए क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या, आपके लिए, हम तो इसको नॉर्मल है, हम तो मतलब पूरे शहर में घूमेंगे, किसी शहर में जाएंगे, पूरी दुनिया में कहीं भेज दो चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे लिए तो। लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होती है एगोराफोबिया या सोशल एंजाइटी, इसके लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, लोगों से मिलना बात करना बहुत मुश्किल होता है, जो हमारे लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल सामान्य चीज़ें हैं, तो हम तो उसको क्या मानेंगे। अच्छा घर से बाहर जाने में क्या दिक्कत है, जो यहाँ पे मार्केट होती है, सब्जी मंडी है या कोई और मार्केट है, वहाँ जाने इसमें क्या प्रॉब्लम है, हजारों लोग वहाँ पे आते हैं, जाना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो कोई नहीं। लेकिन जिसको प्रॉब्लम हुई, इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे इस सेशन में इसलिए बताना पड़ता है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ऐसी भी बीमारी होती है, घर से बाहर निकलना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो गया आजकल आफ्टर कोरोना। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आप आपकी अपने जो भी सोच है ना, उसको इतना स्ट्रांग रखिए, इतना मजबूत, इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं एकदम पॉजिटिव हूँ, पावरफुल हूँ, स्ट्रांग हूँ, बहुत केयरिंग हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं होगा।